प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर, और क्लास टेंथ हिंदी व्याकरण में आपके पास चार टॉपिक आते हैं, पद परिचय, रस, वाच्य और वाक्य। इन्हीं चारों में से आपको चार चार नंबर के 16 मार्क्स का आपका ग्रामर ही ग्रामर का आता है, तो 16 मार्क्स आपको पूरे मिलने चाहिए। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं MCQ यानी कि बहुविकल्प प्रश्नों के साथ। पूरी वीडियो एंड तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला टॉपिक है हमारा वाच्य। तो वाच्य की प्रैक्टिस करते हैं MCQ प्रश्नों के साथ। पहला सवाल है, पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी, वाक्य का वाच्य लिखिए। कौन सा वाच्य है पहचान करेंगे आप, कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है या करणवाच्य है। तो चार इसमें हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य और करणवाच्य। फिर से एक बार सेंटेंस को आप देख सकते हैं, पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी। तो इसमें जो तीर्थ यात्रा है वो कर्म है, पर्यटकों द्वारा यहाँ पर शब्द है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर रहेगा कर्मवाच्य। तो इसका कर्मवाच्य बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, हालदार साहब ने पान खाया, हालदार साहब ने पान खाया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य में हालदार साहब द्वारा पान खाया जाता है, हवलदार साहब पान खा रहे हैं, हवलदार साहब ने पान नहीं खाया जाता, और हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपके लिए डी, यानी कि हवलदार साहब द्वारा पान खाया गया। पहली बात तो ये है, इसमें द्वारा तो आपका जुड़ना ही चाहिए। दूसरे में आपको ये देख सकते हैं कि खाया गया यानी कि पास्ट टेंस में है, और आपका जो मेन है वो भी पास्ट टेंस में है, तो टेंस भी आपका सेम होना चाहिए। और अगला सवाल है, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उठ सके, पक्षियों से बाग छोड़कर नहीं उड़ा गया, उड़ा नहीं गया, पक्षी बाग छोड़कर उड़ नहीं सकते, या पक्षियों से बाग छोड़कर नहीं उड़ा जाता। तो कौन सा इसका सही जवाब है? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पक्षियों से बाग छोड़कर नहीं उड़ा गया। अगर आपको किसी भी सवाल में, किसी भी आंसर में, क्वेश्चन ऑप्शन में डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल चौथा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाला छांटिए, कर्तृवाच्य वाला। चार ऑप्शन है आपके पास, छात्रों द्वारा सभी का स्वागत हुआ, छात्रों से सभी का स्वागत कराया गया, छात्रों ने सभी का स्वागत किया, या छात्रों द्वारा सभी का स्वागत किया गया। तो कर्तृवाच्य का छांटना है, तो देखो इसमें भी द्वारा है, से है, इसमें भी द्वारा है, पहले वाले में भी द्वारा है, तो आपका जो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि छात्रों ने सभी का स्वागत किया। अगला सवाल पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है? भाववाच्य, आओ वहाँ बैठे, आओ वहाँ बैठा जाए, आओ अब वहाँ बैठते हैं, या चलो अब वहाँ बैठे। तो भाववाच्य का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। और छठा सवाल है, गरीबों का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता, वाक्य का कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य क्या होगा? मैं गरीबों का दर्द देख नहीं सकता, गरीबों का दर्द मेरे द्वारा नहीं देखा जा सकता, मैंने देखा, नहीं देखा जा सकता मेरे द्वारा गरीबों का दर्द, या नहीं देख सकता गरीबों का दर्द। तो इसको जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि मैं गरीबों का दर्द नहीं देख सकता। अगला है, भारतीय टीम खूब अच्छा खेली, वाक्य का भाववाच्य में बदलना है। तो भाववाच्य में बदलने के लिए टीम द्वारा अच्छा, टीम, भारतीय टीम अच्छा खेलती है, भाववाच्य में बदलना है। भारतीय टीम से खूब अच्छा खेला जाता है, भारतीय टीम से खूब अच्छा खेला गया, या भारतीय टीम अच्छा खेल रही है, भाववाच्य में आपने इसे बदलना है। तो भाववाच्य में क्या हो सकता है, थोड़ा सा सोचिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि भारतीय टीम से खूब अच्छा खेला गया।
अगला है आठवां, उस आदमी से कठिनाई से चला गया, उस आदमी से कठिनाई से चला गया वाक्य का कर्तृवाच्य रूप होगा, यानी कि कर्तृवाच्य में आपको इसे बदलना है। वह आदमी कठिनाई से चला, वह आदमी कठिन से चल पाता है, उस आदमी के द्वारा कठिनाई से चला गया, यह आदमी कठिनाई से चल रहा है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? आठवां सवाल। तो आठवां सवाल आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वह आदमी कठिनाई से चला, ठीक है। अगला है नौवां सवाल, मेरा मित्र इसी समस्या पर विचार कर रहा है, वाक्य का भाववाच्य, तो इसे भाववाच्य में आपने बदलना है। मेरा मित्र इसी समस्या पर विचार कर रहा है, मेरे मित्र द्वारा इसी समस्या पर विचार किया जा रहा है, मेरे मित्र से इसी समस्या पर विचार होगा, मेरा मित्र इस समस्या पर विचार करता है, या मेरा मित्र इस समस्या पर विचार करेगा। तो देखिए भाववाच्य में बदलना है तो आपका ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि से के द्वारा आना चाहिए, मेरे मित्र से इसी समस्या पर विचार होगा। तो देखिए यहाँ पर ये फ्यूचर सेंस में है तो इसलिए ये भी कट हो गया, आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, मोटापा घटाने के लिए रोज टहले वाच्य का भेद है, कौन सा भेद है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या करणवाच्य है? मोटापा घटाने के लिए रोजाना तेज टहले, तो सिंपल सा है आपका कर्तृवाच्य का, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। ग्यारहवां सवाल है, टहलना अच्छा व्यायाम है, वाक्य का भेद, वाच्य का भेद, टहलना अच्छा व्यायाम है, कौन सा होगा? कर्तृवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, या करणवाच्य? चलिए तो ये आपका भाववाच्य है, क्योंकि यहाँ पर भाव की प्रधानता है, टहलने की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर भाव इम्पोर्टेंट। अगला है बारहवां सवाल, उसके द्वारा खाना खाया जाता है, वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलना है, कर्तृवाच्य में उसके द्वारा खाना खाया जाता है, वह खाना खाती है, उसे खाना खाया जाता है, उसने खाना खाया, या उसने खाना उससे खाना खाया, कर्तृवाच्य में बदलना है, सिंपल सा है, इसमें भी से है नहीं होगा, इसमें भी से है नहीं होगा। देखो उसने खाना खाया या वह खाना खाती है, तो देखो यहाँ पर ऊपर खाया जाता और यहाँ पर खाना खाती, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं और जो बदलने वाला है वो भी प्रेजेंट टेंस वाला ही होना चाहिए। अगला है तेरहवां सवाल, चलो अब पढ़ा जाए, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, तो सिंपल सा है चलो पढ़ा जाए, ये आपका क्या है? आपका भाववाच्य। अगला देखो चौदहवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, यानी कि चार ऑप्शन में से तीन कर्मवाच्य वाले हैं, एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? अकाल पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी गई, न्यायाधीश द्वारा गुनहगार को कड़ी सजा दी गई, देखो द्वारा है यहाँ पर, तो आपका सही हो जाएगा। वृक्ष से चला नहीं जाता, वृद्ध से, तो वृद्ध से चला नहीं जाता, साथ में वर्षा के कारण क्रिकेट मैच रद्द कर दिया गया, तो आपका जो कर्मवाच्य वाला उदाहरण नहीं है वो है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है वृद्ध से चला नहीं जाता वो एक भाववाच्य है, बाकी लगभग सारे जो है वो कर्मवाच्य के हैं। और पंद्रहवां सवाल है, रजत से अंग्रेजी अखबार नहीं पढ़ा जाता, इस वाक्य का वाच्य बताना है, वाच्य कौन सा है? कर्तृ, कर्म भाव, या अपादान? तो सिंपल सी बात है, से आया है तो देखो कर्म या भाव होगा, अंग्रेजी अखबार, तो यहाँ पर अंग्रेजी अखबार कर्म है, तो आपका ऑप्शन बी वाला कर्मवाच्य सही हो जाएगा। सोलहवां सवाल है, कर्मवाच्य वाला छांटिए, तो कर्मवाच्य वाला छांटना है, प्रधानमंत्री के द्वारा पुरस्कार दिया गया, रवि पत्र नहीं लिख सकता, मैं उठ नहीं सकता, या मरीज से बिस्तर से नहीं उठा जाता, तो देखो ये भी भाववाच्य है आपका, मैं नहीं उठ सकता, ये आपका कर्तृवाच्य है, रवि नहीं लिख सकता, और जो इसका करेक्ट आंसर है कर्मवाच्य वाला वो है आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन, इनके प्रधानमंत्री के द्वारा पुरस्कार दिया गया। अगला है, वसंत लता द्वारा गीत गाए गए, इस वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलना है, वसंत लता गीत गाना जानती है, वसंत लता ने गीत गाए,
वसंत लता ने गीत गुनगुनाए या वसंत लता गीत गाओ। तो देखो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, वसंत लता ने गीत गाए। 18वां सवाल है, भाववाच्य का उचित विकल्प कौन सा है? भाववाच्य का, बच्चे ने बंदर को मारा नहीं आ गया तो भाव हो ही नहीं सकता, या किताब गुरुजी ने दी है तो देखो ये भी नहीं हो सकता, गोविंद आम बेचता है, और अगला है मोहन से बैठा नहीं जाता। तो भाववाच्य का बिल्कुल लास्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि मोहन से बैठा नहीं जाता। अगला सवाल 19वां, उसके उनके सामने कौन बोल सकेगा, इसे भाववाच्य में बदलना है आपने, उनके सामने कौन बोल सकेगा। पहला ऑप्शन है उनके सामने कोई नहीं बोलता, तो देखो भाववाच्य में बदलना है, यहाँ पर इन्होंने सेंटेंस चेंज कर दिया तो नहीं होगा। कोई उनसे उनके सामने बोलो, तो ये भी आपका नहीं होगा, भाववाच्य में बदलना है। उनके सामने किससे बोला जा सकेगा, तो देखो यहाँ पर बोल सकेगा फ्यूचर वाले में है, तो उनके सामने सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, कौन उनके सामने बोलेगा, तो ये भी आपका नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भगवान महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य किस वाक्य का वाच्य है, यानी कि ये वाक्य कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या करणवाच्य। अहिंसा का संदेश दिया, तो यहाँ पर देखो ने है आपका जो क्लियर हो जाता है, यहाँ पर कर्तृवाच्य, तो आपका जो सी है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ने जुड़ा है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगला देखो, शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है, द्वारा आया है, इस वाक्य का वाच्य क्या है, तो देखो यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है, द्वारा जुड़ा है, तो सिंपल सा आपका ये भाववाच्य का एग्जाम्पल होगा। अगला देखो, रोगी से रात भर सोया नहीं गया, वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलना है, कर्तृवाच्य में, अगर हम इसकी पहचान करेंगे तो ये एक भाववाच्य है, अब इसे कर्तृवाच्य में बदल लेंगे तो रोगी रात भर नहीं सो सका, पहला रोगी से रात भर सोया नहीं गया, ये से आया है तो ये होगा ही नहीं, रोगी रात भर रोगी से, तो यहाँ पर भी से आया है ये भी नहीं होगा, रोगी द्वारा तो द्वारा आया है ये भी नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अगला सवाल है 23, वे यह दृश्य नहीं देख सकते, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है, यह दृश्य वे नहीं देख सकते नहीं होगा, वे दृश्य नहीं देख सकते ये भी नहीं होगा, क्योंकि से और के द्वारा आना चाहिए, यह दृश्य उनसे देखा नहीं जाएगा, उनसे यह दृश्य नहीं देखा जाता, तो सकता आया है तो यहाँ पर जाएगा, ये फ्यूचर वाले में आ गया जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका सी ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अगला सवाल है, भाववाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है, सकर्मक अकर्मक संयुक्त, तो जो भाववाच्य है ना वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी हर कंडीशन में। और 25वां सवाल है, भाववाच्य में प्रधान होता है, भाववाच्य में, तो देखो भाववाच्य में कर्ता प्रधान नहीं होगा, कर्म प्रधान नहीं होगा, कौन होगा, क्रिया प्रधान होगा। तो आई होप आपको वाच्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये प्रैक्टिस की होगी आपने। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए रस लेके आएंगे, पद परिचय लेके आएंगे, वाक्य लेके आएंगे, तो आप वीडियो में अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिए कि आप इन तीनों टॉपिक्स में से पहले किस टॉपिक के MCQ की आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए, और संडे को हम कोशिश करेंगे लाइव आने की, तो रस जो हमारा पार्ट छूटा हुआ है उसके 4 भागों को हम पूरा करने वाले हैं। चलिए नई वीडियो मिलते हैं, बाय।